वेलकम टू टाइम्स पंजाब शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा। जी हाँ, आपने यूट्यूबर्स तो बहुत देखे होंगे, बट आज हम आपको बहुत ही यंगेस्ट यूट्यूबर से मिलवाने जा रहे हैं, लुधियाना के गुरजोत सिंह। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि यूट्यूब पे वाइंस बनाने का आइडिया उनके माइंड में कब और कैसे आया। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए चैनल। मेरा नाम गुरजोत सिंह है और मुझे 7 मंथ्स हो गए वाइंस बनाते हुए, और मैं रोस्टिंग करता हूँ और फनी वीडियोस भी बनाता हूँ। फनी वीडियोस भी बनाते हो, तो सबसे पहले अभी बताओ कितने इयर्स के हो? 12 इयर्स। 12 इयर्स की एज में कैसे आपके माइंड में आया ये आइडिया कि आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है? मैंने अपने फ्रेंड के घर ना ट्राईपॉड देखा, तो देख के मैंने भी किया। उसके बाद मेरे पास 10 to 15 वीडियोस पड़ी थी, मैं पूछता रहता दोस्तों से डालो ना डालो। अच्छा। तो फिर कोई कहता डाल दे, कोई कहता ना डाल। फिर एक दिन मैंने डाल दी। एक दिन आपने डाल दी, तो ट्राईपॉड पे जब आपने देखा, आपके माइंड में एकदम से आया आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है। पहले किसी ना किसी की वीडियोस आपने देखी होंगी, यूट्यूबर्स को देखा होगा, तभी आपके माइंड में ये आइडिया आया? मैंने पहले उनको रोस्टर्स को बहुत देखा है। अच्छा। कैरी मिनाटी देखता हूँ मैं, और अमन ओजला को देख के इंस्पायर हुआ हूँ। अमन ओजला को? तो लुधियाना में कौन से यूट्यूबर से आप इंस्पायर्ड हो? लुधियाना में अमन ओजला और हर्षदीप। हर्षदीप, उनकी वीडियोस कैसी लगती हैं? उनकी बहुत अच्छी लगती है, हर्षदीप बहुत ज़्यादा बढ़िया बंदा है। अच्छा, तो अब आप ये बताओ, आप 7th क्लास के स्टूडेंट हो, तो टाइम मैनेज कैसे करते हो? बिकॉज 7th में आके स्टडीज़ भी टफ हो जाती हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हो, तो कैसे मैनेज करते हो सारा कुछ? मैं छुट्टी वाले दिन ना, मैं रात को ही 12 o'clock स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं सारी रात में एडिट करके सुबह 8 o'clock तक सो जाता हूँ। अच्छा, इतने एफर्ट्स करते हो आप, स्क्रिप्ट लिखते भी खुद हो? हाँ जी। किस टाइप की स्क्रिप्ट्स होती हैं? लोगों को हंसाने वाली होती है या कोई मैसेज भी देंगी? वो हंसाने वाली होती है। हंसाने वाली होती हैं। चलो, हम भी चाहेंगे कि ऑन स्क्रीन आप कैसे हंसाते हो, कोई 2-3 फनी लाइंस बताओगे हमें भी? कुछ भी जो आपके माइंड में आ रहा हो। मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी, माइंड में नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। अब ये बताओ कि स्कूल में आपके टीचर्स को, आपकी जो क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको पता है आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो? टीचर्स को नहीं पता, कुछ क्लासमेट्स को पता। कुछ क्लासमेट्स को पता है। कैसा रिस्पांस मिला आपको फिर जब उनको पता चला ये तो हमारा फ्रेंड है और यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है? बढ़िया ही मिला रिस्पांस। बढ़िया ही मिला। तो अब आप अपने यूट्यूब वाइंस के बारे में बताओ कि कैसे वो आप बनाते हो यूट्यूब पे वीडियोस, कैसे आप उनकी एडिटिंग करते हो, उसके बारे में आप बताओ। मैं आई मूवीज से एडिट करता हूँ आईपैड पे, और मैं वीडियो बनाने के लिए ट्राईपॉड पे बनाता हूँ और गोरिल्ला पॉड पे। और किस टाइप की वीडियोस होती हैं वो? रोस्टिंग वीडियोस होती हैं और फनी वीडियोस होती हैं। और उन रोस्टिंग वीडियोस में आपके साथ कौन कौन ऐड है? सिंगर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, या नॉर्मल पीपल हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं? मेरे फ्रेंड्स ऐड हैं, और एक यूट्यूबर आया, मतलब फ्रेंड है मेरा, वो हर्षदीप। अच्छा। तो इसका शूट कहाँ पे आप घर पे करते हो? कुछ शूट यहाँ पे भी कर चुका हूँ, कुछ घर पे भी किया है। घर पे भी किया है। तो जब आपने सबसे पहले अपना वीडियो बनाया होगा, कुछ नर्वस हुए थे आप? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? कैसा लग रहा था तब? नहीं, पहली वीडियो में मुझे यही नहीं पता चल रहा था कि मैं काम पर हूँ या जमीन। देख सकते हैं आप, ये यंगेस्ट यूट्यूबर हैं, तो कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई, अपनी फर्स्ट फीलिंग के बारे में बताया। तो आप बताओ, आने वाले टाइम पे आप देखते हैं कि यूट्यूबर्स तो बहुत ज़्यादा अपीलिंग मैसेजेस देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए, तो आप कैसे और वीडियोस बनाना चाहोगे जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियोस देखें? मैं बस लोगों को हंसाना ही चाहता हूँ। बस लोगों को हंसाना चाहते हो? अच्छा, एक बात और बताओ, नॉर्मल लाइफ रूटीन में यूट्यूब पे तो आप हंसाते हो, अपने घर में कितना हंसाते हो आप अपनी फैमिली को? घर में सबसे फनी मैं ही हूँ। सबसे ज़्यादा फनी आप ही हो? तो हमें कुछ ऐसी बात बताओ, हमें भी थोड़ा सा हंसी आए ना। कौन सी बताऊँ? कोई भी बताओ, आपने कोई वीडियो बनाई होगी कुछ भी, या किसी की मिमिक्री भी, हमने आपकी 2-3 वीडियोस देखी हैं सिद्धू मूसेवाला के साथ भी, उस वही कोई लाइंस आपके माइंड में हो वही सुना दो। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो फिर ना मेरा ब्रदर है, तो मैं जब वीडियो बना, मैं ना रोस्ट वीडियो एक बैठ के बना रहा, तो मैं ना आगे कैमरा जब ऑन करने जाता हूँ ना, मैं पीछे ऐसे ऐसे होता हूँ। अच्छा। मेरा भाई कुर्सी हटा देते, मैं हर बार गिर जाता हूँ। अच्छा, बहुत ही फनी मोमेंट हम कह सकते हैं आपके लिए। तो आप सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर हो, कौन से यूट्यूबर से? लुधियाना में तो आपने बताया यूट्यूबर्स आपके फ्रेंड हैं। और एक चीज़ हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, हमने सुना आप अपनी स्क्रिप्ट भी, बड़े ही फेमस यूट्यूबर्स को अपनी स्क्रिप्ट लिख के देते हैं,
मैंने हर्षदीप को अपनी एक स्क्रिप्ट लिख के दी है। व्हाट्सएप का बदलता है। अच्छा, क्या है उस वीडियो में, उसके बारे में कुछ शेयर करो। उस वीडियो में ना, मतलब उस वीडियो में ना ये होता है कि एक फ्रेंड होता है, उसकी ना सारे इंसल्ट करते हैं। मतलब कहीं घूमने जा रहे होते हैं, वो साथ आता है उसको, मतलब बोलते तेरे औकात नहीं है कार में बैठने की, तू ये तू ना हमारे साथ ना घूम। तो फिर उसमें मतलब वो ना सुसाइड कर रहा होता है, मेरी कार के आगे आता है, मैं कार रोक के उसको घर लेके जाता हूँ और समझाता हूँ, बात पूछता हूँ क्या हुई है, फिर समझाता हूँ उसको कि तेरा एम क्या है। वो यूट्यूब बताता है, फिर हम यूट्यूब शुरू करते हैं। तो फिर उसके जब उसका चैनल ग्रो हो जाता है, उसकी वीडियो पे जब 1 मिलियन आ गया डिफॉल्टर वीडियो पे, तो फिर उसके बाद जब उसके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो खुद उसके साथ फ़ोटो क्लिक करने आ जाते हैं। अच्छा, तो ये इतनी अच्छी स्क्रिप्ट जो आपने उनको दी है हर्षदीप को, आप उसमें विजिबल नहीं है कहीं भी? मैं हूँ। आप हो विजिबल, तो कैसे लग रहा है जब इतने मिलियन व्यूज़ हो गए आपके यूट्यूब के, और बहुत ही अच्छा सा मैसेज भी है इसमें? मैसेज भी है। तो आप चाहते हैं आने वाले टाइम पे सिर्फ हंसने वाले वीडियोस बनाने हैं या लोगों को कोई मैसेज देने वाले वीडियोस? लोगों को बस एक सरदारी का मैसेज देना। आजकल लोग बहुत बाल कटवाते हैं ना, सरदार लोग फॉरेन में जाके। एक मिनट, हम चाहते हैं कि आप कैमरे की तरफ देख के, ये बहुत ही अच्छा सा मैसेज हमें यूट्यूबर गुरजोत सिंह से मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इस मैसेज को ज़रूर सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक ये मतलब जो बाहर वाले लोग होते हैं ना, मतलब जो यहाँ के लोग कैनेडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पे बाल बहुत कटवाने लग गए हैं, बस बाल ना कटवाया करो। तो आप इसके ऊपर एक यूट्यूब पे वाइन बनाना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ वाइन बनाना। ठीक है, तो आप ज़रूर इसके ऊपर बनाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छा मैसेज है सारी सिखिज्म के लिए। तो अब एक मतलब कोई भी जाते जाते हम चाहते हैं अपीलिंग सा सुंदर सा मैसेज अपनी तरफ से दे दीजिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके वाइन्स को देखें, उनको अप्रिशिएट करें, ताकि आने वाले टाइम पर आपको मोटिवेशन मिले और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आएँ लुधियानवीज के लिए। बस मेरा यही मैसेज है कि मतलब बाल ना कटवाओ, और मैं सरदारी पर अभी वीडियोज़ बनाऊँगा, तो बस बाल ना कटो। अपनी वाइंस को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग देखें आपकी वीडियोस को? बस लोग वीडियोस देख के हंसते रहें, मेरे को मैसेज आते रहे, आप हंसाते रहे। कैसे मैसेजेस आते हैं? कमेंट्स आते हैं मुझे, मैसेजेस आते हैं कि तुम्हारी वीडियो देख के मैं मुझे बहुत हंसी आई, मेरा मूड ऑफ था, ये वो। चलो, थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए। तो आपने देखा, ये थे लुधियाना के यंगेस्ट यूट्यूबर गुरजोत सिंह, जो बहुत ही अच्छी अच्छी वाइंस बनाते हैं यूट्यूब पर, लोगों को हंसाते हैं, और आने वाले टाइम पे वो चाहते हैं कि हंसते हंसाने के साथ साथ वो कुछ ऐसी भी वाइंस बनाए जिनसे लोगों को कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिले। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा मास्टर गुरजोत सिंह जी से मिलके, हमने भी शेयर किए उनके साथ बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।